सड़कें ही दरिया हैं और डूब कर जाना है। जी हाँ, यही हाल है दिल्ली एनसीआर का, जहां बारिश ने पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हाल ये हो गया कि सड़कों पर पानी भरा है, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। मोहल्ले और बस्तियां सब डूबी डूबी नजर आ रही हैं। हर जगह जाम जाम त्राहिमाम वाली स्थिति है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वालों को जाम और जलजमाव से जूझना पड़ रहा है। आपके सामने दिल्ली में बारिश के बाद बने हालात की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून ने दिल्ली में कैसी जबरदस्त दस्तक दी है। जलजमाव से त्राहिमाम कर रही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया है। इस हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं आजाद मार्केट अंडरपास में जलभराव के कारण बस फंस गई। अब इन 5 तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। मधु विहार, मिंटो रोड, मंडावली, बीकाजी कामा पैलेस और नोएडा में भी बरसात से हाल बेहाल हो गए। देखिए, बिल्कुल गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है या फिर कहें कि बारिश है, फिलहाल आफत बन के आया है। ये अब हम आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड जीरे से। ये देश की राजधानी दिल्ली का मुख्य जो इलाका है, आईटीओ है, यहाँ पे अधिकतर सरकारी ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो लबालब भरा हुआ है, और जो गाड़ियां हैं वो एक साइड से चल रही हैं, ट्रैफिक भी जाम हो गया है। अधिकतर लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, उन्होंने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया है और अब वो पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आईटीओ ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकतर सरकारी ऑफिस है। सामने एक बस आ रही है, उसको आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह डूबी हुई है पानी में। तो एक तरह से ये सिर्फ दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं, लेकिन जो सूरत हाल है लगभग इसी तरह का दिल्ली के बाकी इलाकों में भी है। ये पूरा जलमग्न है, आसपास सरकारी ऑफिस है, और ये तस्वीरें सुबह से ही, सुबह जब बारिश बंद हुई उसके बाद से ही लगातार इस तरह की तस्वीरें हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इन बादलों का लंबा इंतजार भी किया गया, लेकिन जिस तरह से बादल बरसे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि बादलों ने तो हद कर दी। बहरहाल, मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई। पूरे समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।